चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर हुआ। भुवनेश्वरी देवी के विश्व विजयी पुत्र का स्वागत मंगल शंख बजाकर मंगल ध्वनि के साथ किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म से भारत माता भी गौरवान्वित हुई। बालक की आकृति एवं रूप बहुत कुछ उनके सन्यासी पितामह दुर्गादास की तरह था। परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, किंतु माता द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग बिले कहकर भी बुलाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के दो नाम होते हैं, एक राशि एवं दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। भय, फटकार या धमकी का असर उन पर नहीं होता था, तो माता भुवनेश्वरी देवी ने अद्भुत उपाय सोचा। नरेंद्र का अशिष्ट आचरण जब बढ़ चढ़ जाता तो वो शिव शिव कहकर उनके ऊपर जल डाल देती। बालक नरेंद्र एकदम शांत हो जाते। इसमें संदेह नहीं कि बालक नरेंद्र शिव का ही रूप थे। माँ के मुंह से रामायण महाभारत के किस्से सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। जब कोई पूछता बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूमियत से कहते कोचवान बनूंगा। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि में नरेंद्र की विशेष रुचि थी। कभी कभी मित्रों के साथ हास परिहास में भी भाग लेते। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी का कहना था कि नरेंद्रनाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं।
जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में नरेंद्रनाथ जैसा मेधावी छात्र नहीं है। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महानता है वो उनकी सुशिक्षित एवं विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी। डेकार्ड का अहमवाद, डार्विन का विकासवाद, स्पेंसर के अद्वैतवाद को सुनकर नरेंद्रनाथ सत्य को पाने के लिए व्याकुल हो गए। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनका चित्त शांत न हुआ। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। पच्चीस वर्ष की आयु में नरेंद्र ने गेरु वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण को निकल पड़े। अठारह सौ तिरानवे में शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। उगते सूरज को कौन रोक पाया है? वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। Now, please welcome Swami Vivekananda from the ancient land of India. Swami ji ne sammelan ko sambodhit karte hue kaha. Sisters and brothers of America. आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ, और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचलित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसमें इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान चरतुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दिया और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयासामर्णव इव. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ. श्रोता उनको मंत्र मुग्ध सुनते रहे. निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला. अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू कर चुके थे तथा 20 मिनट से अधिक बोले. उनसे अभिभूत होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए. अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है. इस अद्भुत सन्यासी ने सात समंदर पार भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराया. 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की. उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया. आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था. मेरी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है. मैं उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को कहता हूं कि अपने सभी देवी देवताओं को भूल जाओ. मित्रों, ये छोटी बात नहीं है. एक सन्यासी के मुंह से ये सुनना कि तुम अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, और ये कहा था कि सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, एकमात्र भारत माता को अपनी देवी के रूप में प्रस्थापित करो, और 50 साल तक सारे अपने संप्रदाय अपने देवी देवता छोड़ करके एकमात्र भारत माता की पूजा करो. और आप देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था उसके ठीक 50 साल के बाद, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, ठीक 50 साल के बाद. इस महापुरुष में एक दृष्टि थी. उन्होंने और एक बात कही थी. स्वामी विवेकानंद ने कहा था जीवन के अमेरिका जाने के उस कालखंड में, उन्होंने कहा था और ये कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, मेरी भारत माता दैदीप्यमान होगी, और मेरा देश विश्व गुरु के रूप में काम करेगा. स्वामी जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था. उनके सारे चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था. भारत की प्रगति और उत्थान के लिए जितना चिंतन और कर्म इस तेजस्वी सन्यासी ने किया, उतना पूर्ण समर्पित राजनैतिकियों ने संभवतः नहीं किया होगा. अंतर यही है कि उन्होंने सीधे राजनैतिक धारा में भाग नहीं लिया, किंतु उनके कर्म और चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. स्वामी जी का देश, समाज और मानवता की सेवा का संकल्प महान और अद्भुत था. जब 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, तब उनके 12 युवा शिष्यों ने संसार छोड़कर साधना का पथ अपना लिया. लेकिन स्वामी जी ने दरिद्र नारायण की सेवा के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक सारे भारत का भ्रमण किया. उन्होंने देखा कि देश की जनता भयानक गरीबी से घिरी हुई है. तब उनके मुख से रामकृष्ण के शब्द अनायास ही निकल पड़े. भूखे पेट से धर्म की चर्चा नहीं हो सकती, किंतु इसके लिए उन्होंने धर्म को दोषी नहीं ठहराया. उनकी मान्यता थी कि समाज की यह दुरावस्था गरीबी धर्म के कारण नहीं हुई है, बल्कि इस कारण हुई है
कि समाज में धर्म को इस प्रकार आचरित और प्रचारित नहीं किया गया जिस प्रकार किया जाना चाहिए था। अपने रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की। स्वामी जी ने दिशा निर्देश देते समय निर्धारित किया कि ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना और प्रशिक्षित करना जो देश की जनता के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ज्ञान विज्ञान के वाहक बन सकें, कलाओं और उद्योगों को प्रोत्साहित करना, लोगों में इस प्रकार धार्मिक विचारों का प्रचार करना कि वे रामकृष्ण परमहंस के विचारानुसार सच्चे मानव बन सकें। वास्तव में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ और मिशन नाम से दो पृथक संस्थाएं गठित की, जिनके पृथक कोष और हिसाब किताब होने के बावजूद साझा प्रबंध था। जहां रामकृष्ण मठ सन्यासियों की एक श्रृंखला तैयार करने की थी, वहीं रामकृष्ण मिशन जनसेवा की गतिविधियों के लिए थी। देश विदेश में फैली इनकी शाखाएं शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, आध्यात्म और अन्य सेवा कार्यों में ईमानदार आदर्श स्थापित कर चुकी हैं। स्वामी जी नैतिक पवित्रता और त्यागमय जीवन को आध्यात्मिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि कोई भी महान कार्य बलिदान के बिना संभव नहीं हो सकता। स्मरण रहे, मानव वही होता है जो अपने हृदय रक्त से दूसरों के लिए राह बनाता है। ज्ञान वही है जो सहज जीवन में आए, जीवन में काम में आए। बहुत से अंधविश्वास हमारे जीवन में है, हमारे देश में धर्म में जो घर कर चुकी थी वहां से उसको हटा के उसमें जैसे चीनी और रेत का मिलन मिक्सचर जो हो गया था, मिलावट जो हो गई थी, उसमें से सिर्फ चीनी को अलग किया, मिट्टी को अलग किया। ये विवेक को हमारे युवक के सामने प्रस्तुत किए हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आज हम बहुत एक उत्साह से और उम्मीद से कह रहे हैं कि स्वामी जी के जो सपना है इसको साकार करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हो जाएं। देशभक्ति दैवभक्ति दो अलग अलग चीज नहीं मानना, तो होश के साथ हम जोशील काम करें देश को आगे लाने के लिए। और ये संकल्प आज लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना है, एक उज्जवल भारत, जगत गुरु भारत का जो सपना उन्होंने देखा वो पूरा करने की जिम्मेदारी यहाँ जो कितने जो खड़े हैं बैठे हैं, जो उम्र से युवा है और मानसिकता से युवा है। You know, many of you are youth by age and many others are youth by spirit. And I want you all to be taking this sankalpa today. Remind yourself of this great dream that you have been given by Swami Vivekananda ji. We will see a very beautiful, prosperous, just Bharat. अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी का ध्यान दो प्रमुख बुराइयों की ओर गया जिससे पूरा देश ग्रसित था। प्रथम, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दूसरी, जातिवाद की चक्की में गरीबों का शोषण। स्वामी जी जाति जन्मी इस भीषण दुर्दशा से आहत हो गए थे। उन्होंने कहा, आह ये कैसा धर्म है जो गरीबों के दुख दूर न कर सके। पेड़ों और पौधों तक को जल देने वाले धर्म में जातिवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता। ये विकृति धर्म की नहीं
हमारे स्वार्थ की देन है। जाति प्रथा की आड़ में शोषण चक्र चलाने वाले धर्म को बदनाम न करें। जाति भेद दूर करने के लिए स्वामी जी की मान्यता थी कि निम्न लोगों को इतना ऊंचा उठाओ कि वे उच्च वर्णों के बराबर खड़े हो जाएं। उन्हें दया नहीं सामर्थ्य प्रदान करो। विवेकानंद एक सुखी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए पूरी उम्र प्रयासरत रहे। वे केवल संत नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़भूजों के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया, वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। विवेकानंद बड़े स्वप्नद्रष्टा थे, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। स्वामी जी का आदर्श, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, अनेक युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा में सर्वोपरि शिक्षा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।